व्हाट इज़ अप एंड वेलकम टू माय व्लॉग वीडियो। हाँ मैं जानता हूँ मैंने व्लॉग का इंट्रो चेंज किया, लेकिन किसके लिए? तुम्हारे लिए पगले। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाल वीडियो करो, लाइक कमेंट में बताओ अपना हाल। हाँ इससे तुम्हें कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन कुछ जाएगा भी नहीं। मजाक कर रहा हूँ, डेली वीडियो आने वाली तो सब्सक्राइब कर दो। हाँ तो शुरू करते हैं आज की सुनहरी सुबह के साथ। कुछ वीडियो बनाने के बाद मेरा कंटेंट हो गया ख़त्म और मैं यूट्यूब से हो गया गायब। ऐसा तुम लोग सोच रहे होगे ना? ना रे, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए वेट तो करना पड़ता है। एक यूट्यूबर बनना इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कैमरा उठाया, वीडियो बनाई और बन गई यूट्यूबर, तो काम थोड़ा मुश्किल होने वाला है। नहीं समझ आई? चलो मैं समझाता हूँ। अगर तुम ब्लॉगर हो और मेरी तरह डेली ब्लॉग्स बनाते हो, तो जो मैं फ़िलहाल नहीं करता, तो एक बार बोल दो ना। और अगर तुम टिकटॉकर हो और सोचो एक कमरे में बैठ के तुम अगर टिकटॉक की वीडियो बना रहे हो और पीछे से एक खौफनाक आवाज आए, आलो ले लो, है ना मुश्किल। पर ये तो कुछ भी नहीं, अगर तुम लोग वीडियो बना रहे हो, वीडियो बहुत प्यारी बन रही है और अचानक से बैटरी हो जाए, तब तो खैर बातों बातों में तुम लोगों को मैं गार्डन दिखाना भूल गया। तो ये प्यारा सा गार्डन बना हुआ है, वहाँ पे सिटिंग एरिया है, यहाँ पे फाउंटेन एरिया है और यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है, वहाँ पे झूले लगे हुए हैं। गार्डन की खास बात ये है कि शाम 6 बजे के बाद यहाँ पे मर्द हजरात का आना मना है और औरतें यहाँ पर आके अपनी सास अपने हस्बैंड की चुगलियाँ करती हैं। सच में एक दो को तो मैंने भी सुना है यार, तुम लोगों को पता नहीं है जब औरतें मिलती हैं तो क्या करती हैं, समझदार हो। और यहाँ पे लगाए इन्होंने झूले, सारा दिन हस्बैंड को चक्कर देने के बाद यहाँ पे चक्कर खाने आ जाती हैं। तो फाइनली धूप भी निकल आई, वो सूर्य निकल आया और तुम लोगों को मैं अभी एक आशिक से मिलाने लगा हूँ। रोना निकल आता है उसे देख के, तो चलो तुम लोगों को मिलाता हूँ। ये जो तुम लोग स्टैचू देख रहे हो, ये दुपिंदर का है। दुपिंदर इसी मोहल्ले में रहता था, तो वो लोरा से प्यार करता था, लोरा इसकी महबूबा है। तो एक दिन क्या हुआ कि लोरा ने इस दुपिंदर को कॉल की कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तो मुझे भगा के ले जा। तो अपना दुपिंदर घोड़ी पे चढ़ गया और लोरा को भगाने लगा, तो लोरा के भाइयों ने उसे घेर लिया। तब से लेके आज तक दुपिंदर का पता नहीं चला कहाँ पे गए हैं। तो मोहल्ले वालों ने उसकी याद में ये स्टैचू बना दी, बहुत याद आती है दुपिंदर की। तो आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह आपसे मेरे डेली ब्लॉग्स आया करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुपिंदर।